हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियो में हमने बात की थी पार्किंसन डिजीज़ के बारे में और एंटी पार्किंसन ड्रग के क्लासिफिकेशन और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी और उसके टाइप्स के बारे में, एपिलेप्सी के टाइप्स के बारे में। ओके, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। सो व्हाट इज़ एपिलेप्सी? इट इज़ अ सीजर डिसऑर्डर, जिसको हम हिंदी में मिल्की का दौरा भी बोलते हैं। सो एपिलेप्सी इज़ ए क्रॉनिक CNS डिसऑर्डर। क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो लंबे टाइम तक डिजीज़ रहता है, लंबे टाइम तक किसी को जो बीमारी रहती है उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रीफ एपिसोड्स ऑफ सीजर्स एंड एक्सेसिव इम्पल्स डिस्चार्ज, एक्सेसिव नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज। ओके, सो ब्रेन में अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं उसका एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज हो तो उसको एपिलेप्सी का अटैक आता है, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। इट इज़ यूजअली एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्पर्जमोरिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मीन्स कन्वर्जन्स। उसको कन्वर्जन भी बोलते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल का स्पर्जमोरिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स, जो उसका मेन रीज़न है एपिलेप्सी का। सो ये जो सिम्टम्स है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन साइट ऑफ ओरिजिन। ओके, सो ये ब्रेन का एक रफ स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग पार्ट दिखाए हैं, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सो अगर मोटर कॉर्टेक्स में एक्सेसिव अमाउंट में नर्व इम्पल्स डिस्चार्ज होते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएगा? तो एबनॉर्मल मूवमेंट, मीन्स कि उसका जो बॉडी का मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ऑक्सीपिटल लोब में अगर होगा तो विजुअल ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल मीन्स कि उसके देखने में, ऑडिटरी मीन्स कि सुनने में, हेलुसिनेशन मीन्स कि वो अपने अलग ही भ्रम में रहेगा, उसके अंदर एक रियलिटी से अलग कोई भ्रम की दुनिया जैसा हो जाएगा। देन फ्रंटल लोब मीन्स कि थिंकिंग, प्लानिंग एंड इमोशनल, ये सिम्टम्स में चेंजेस आ सकते हैं। टेम्पोरल लोब में होगा तो मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आ सकते हैं, उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, कम याद रहना। देन अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि उसको किसी भी चीज़ के बारे में देर से पता चलना या तो कम पता चलना। पेरिएटल मीन्स कि मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड एंड स्पेलिंग लैंग्वेज, उसमें चेंजेस आना। सो टाइप्स के डिपेंड उसके सिम्टम्स है। सो हियर एपिलेप्सी अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस इन ब्रेन। जो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी आयंस होते हैं उसके बीच में इम्बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर ड्यूरिंग द एपिलेप्सी। सो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व गाबा एज द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व NMDA रिसेप्टर। सो टू लिटल इनहिबिशन गाबा, इनहिबिशन मीन्स के जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में जाते हैं, तो ड्यूरिंग द एपिलेप्सी बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम अमाउंट में वो एक्स्ट्रा में से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में जा पाएंगे। सो थ्रू इट इज़ थ्रू गाबा रिसेप्टर। गाबा का फुल फॉर्म है गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड। सो इधर CL- जाएंगे तो सही, एक्स्ट्रा में से इंट्रा में जाएंगे, लेकिन वो कम अमाउंट में होगा। दूसरा है टू मच एक्साइटेशन ग्लूटामेट थ्रू NMDA रिसेप्टर, मीन्स के टू मच एक्साइटेशन में क्या होगा, पॉजिटिव आयन्स जैसे कि Ca+, Na+ जैसे आयन्स कम्स इन, मीन्स कि वो ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे फ्रॉम एक्स्ट्रा टू इंट्रा सेलुलर में, जो मेन रीज़न है एपिलेप्सी का। वो पॉजिटिव आयन्स जितने ज़्यादा अमाउंट में जाएंगे एक्स्ट्रा में से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में, उतना एपिलेप्सी का रिस्क ज़्यादा रहेगा। सो हियर सम कॉजेज, फॉर एग्जाम्पल हेड इंजरी, हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स कि ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाना, अल्कोहल विड्रोल, अगर जो डेली अल्कोहल लेता है सडनली अल्कोहल को बंद कर देता है तो उसके लिए रिस्क है। एब्यूज ड्रग यूज़, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी कोई ड्रग्स जैसे कि एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन ड्रग कोई डेली लेता है और उसको सडनली बंद कर देता है तो उसको भी एपिलेप्सी का रिस्क रहता है और ब्रेन ट्यूमर। सो हियर क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी, जिसके दो टाइप है, पार्शल एपिलेप्सी एंड जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। पार्शल एपिलेप्सी में है अफेक्ट ओनली ए लोब और पोर्शन ऑफ ब्रेन, कोई एक ही लोब को वो अफेक्ट करेगा, कोई एक ही पोर्शन ब्रेन की, एक ही पोर्शन या एक ही लोब को अफेक्ट करेगा, तो वो है पार्शल एपिलेप्सी। उसके भी दो टाइप्स है, सिंपल पार्शल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शल। सिंपल पार्शल में है हाइपर एक्टिव न्यूरॉन्स अफेक्ट ओनली वन लोब ऑफ ब्रेन, ओनली वन लोब को अफेक्ट करेगा। इट
डज नॉट स्प्रेड, वो स्प्रेड नहीं होगा, एक ही लोब में रहेगा. एंड थर्ड है कॉन्शियसनेस रिमेन, मीन्स के कॉन्शियसनेस उसमें अंदर रहेगा, पेशेंट ऑन कॉन्शियसनेस नहीं हो जाएगा. ओके, सो हियर है सेकंड कॉम्प्लेक्स पार्शल, मीन्स के कॉम्प्लेक्स पार्शल में होगा कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन, चुइंग टीथ, वो दांतों को जकड़ लेगा, और कॉन्शियसनेस अल्टर, कॉन्शियसनेस अल्टरेशन रहेगा, मीन्स कि अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट. ओके, फर्स्ट था पार्शियल एपिलेप्सी, सेकंड है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी. सो इट इज़ बिगन लोकली एंड स्प्रेड एबनॉर्मल इम्पल्स इन द ब्रेन. लोकली मीन्स वन लोब में प्रोड्यूस होके वो स्प्रेड हो सकता है इन द ब्रेन. उसके टाइप्स है, फर्स्ट है टॉनिक क्लॉनिक, उसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं ग्रानमल एपिलेप्सी. तो टॉनिक मीन्स कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लॉनिक मीन्स के रैपिड कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन भी होगा. उसका एक सिम्टम है कि पेशेंट मे बी क्राई एंड फॉल डाउन. सेकंड है पेटिटमल, जो होता है अराउंड 3 to 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन में, वो होगा फॉर 3 to 5 सेकंड के लिए ओनली. सो उसको बोलते हैं एब्सेंस सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है. सो ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सेंस सीजर. उसके सिम्टम्स में है रैपिड आई ब्लिंकिंग, मीन्स कि उसकी आई ब्लिंकिंग जो है वो रैपिडली होगी, एंड वन डायरेक्शन विजन, मीन्स कि वो बहुत देर तक एक ही डायरेक्शन में देखता रहेगा. थर्ड टाइप है उसका एटोनिक एपिलेप्सी, मीन्स के शॉर्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस उसका शॉर्ट टाइम के लिए लॉस हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ऑल मसल्स विल बी रिलैक्स एंड पेशेंट विल फॉल डाउन. ऑल जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी और रिलैक्सेशन में चले जाएंगे मसल्स, तो पेशेंट विल बी फॉल डाउन. एंड लास्ट है मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, मीन्स की मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर सेवरल टाइम, मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा. तो ये है एपिलेप्सी का जनरल इंट्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.